हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर टॉपिक टेंस, एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट सिंपल टेंस एंड इट्स यूज. इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, एंड उसमें जो सेंटेंस होगा वो किस टाइप से फॉर्म होगा, या फिर जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें किन टाइप्स की वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स का और मेन वर्ब का हम यूज कर सकते हैं. ये जो अपना वीडियो है 11th नंबर, इसमें हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में कि इस टेंस का जो यूज़ है वो किन कंडीशंस में, इन विच कंडीशंस वी कैन यूज़. ओके, सो पास्ट सिंपल टेंस कैन बी यूज इन सम सर्टेन कंडीशंस, और उनमें से जो फर्स्ट कंडीशन है वो कुछ ये है. इट इज़ यूज, इट इज़ मीन्स पास्ट सिंपल टेंस इज यूज, इसका यूज होगा फॉर एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज़ के लिए, अदरवाइज इवेंट्स के लिए. एक्टिविटीज़, एक्टिविटी मीन्स हमारे जो एक्शंस होते हैं जो हम डे बाय डे या डेली हम करते हैं, उन एक्शंस को या उन एक्शंस में या फिर इवेंट्स, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, इंसिडेंट्स होते हैं जो अब से पहले हो चुके हैं, उन इंसिडेंट्स या इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को बताने के लिए. विच टुक प्लेस, वो टुक प्लेस मतलब वो हो चुके हैं, कब? इन द पास्ट, पास्ट के अंदर, अब से पहले. एंड आर नॉट कनेक्टेड, अब उनका कोई कनेक्शन नहीं है किसके साथ, विद द प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट से उनका कोई अब रिलेशन नहीं है. उन एक्शंस को हम राइट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के अंदर. देखिए, फॉलोइंग टाइम एडवर्ब्स अदरवाइज वर्ड्स आर यूज, इन कंडीशंस को क्लियर करने के लिए या राइट करने के लिए इन कंडीशंस के साथ कुछ टाइम एडवर्ब्स या फिर हम कहें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम सेंटेंस के अंदर करते हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि उन वर्ड्स या टाइम एडवर्ब्स का यूज़ अगर सेंटेंस में हुआ हो तो फिर उस सेंटेंस को हमें पास्ट सिंपल टेंस में ही राइट करना होगा. सो विच आर दीज टाइम एडवर्ब्स? यस्टरडे, जो अब से पहले वाला डे था, अगो, पुराने टाइम की बात करते हैं, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम का मीन्स हुआ लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर. इट मीन्स वी कैन यूज एनी टाइम एट प्लस, एट प्लेस ऑफ हियर, एट प्लेस ऑफ टाइम, इस टाइम के प्लेस पे हम कोई सा भी जो एग्जैक्टली टाइम होता है, जो वॉच मतलब घड़ी का टाइम हो सकता है, ईयर का कोई भी पीरियड हो सकता है जो डे मंथ का हो, तो यहाँ पर कुछ भी टाइम यूज हम कर सकते हैं, कोई सा भी टाइम, प्रीवियस वर्ड अगर गिवन हो या फिर इनके साथ पास्ट टाइम गिवन हो, जैसे इन 1947 के अंदर हमें पता है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया वो इंडिपेंडेंट हुई थी, तो अगर ऐसा टाइम हम यूज करते हैं हमारे सेंटेंस में तो वो सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस से फॉर्म होता है. अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लें, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्त थे, वेंट टू सिनेमा, वो सिनेमा गए, कब? यस्टरडे. अब यहाँ पर जो मैंने यस्टरडे वर्ड यूज किया है, ये यस्टरडे जो है ये वर्ड एक टाइम एडवर्ब है, और ये टाइम एडवर्ब ओनली एंड ओनली पास्ट सिंपल टेंस को क्लियर करता है. अब ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस से बना वो हम या तो टाइम एडवर्ब से पता कर सकते हैं, या फिर इसमें जो वर्ब यूज हुई है वेंट, उसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेंट है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. और लास्ट जो अपना वीडियो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर अगर कोई वर्ब यूज होगी तो वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, इनकेस वहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है अगर उसका यूज हुआ होगा तो फिर हमें वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, हिज ब्रदर, उसका जो भाई है, यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है, ज्वाइन क्लास लास्ट मंथ. अब देखिए यहाँ पर लास्ट वर्ड आया, और लास्ट के साथ अगर कोई टाइम गिवन हो तो यहाँ पर लास्ट के साथ जो टाइम है वो मंथ गिवन है, तो ये लास्ट प्लस टाइम का जो कॉम्बिनेशन है जो कि लास्ट मंथ है, ये आइडेंटिफाई करवाता है पास्ट सिंपल टेंस को. अब इस टाइम एडवर्ब के बेसिस पे हमसे कहा गया है कि जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर हमें गैप गिवन है, और इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है
विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब की जो फॉर्म्स होती है वो हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उनमें डिस्कस किया था, जहाँ हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म की हम बात करते हैं। सेकेंड फॉर्म को हमने पास्ट फॉर्म कहा था। इट मीन्स पास्ट टेंस जब भी हम स्टडी करेंगे या आप स्टडी करते हो तो वहाँ पर ओनली अपने को सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो इट मीन्स अगर लास्ट मंथ जो कि एक टाइम एडवर्ब है जो आइडेंटिफाई करवाती है पास्ट सिंपल टेंस को, तो इस टाइम एडवर्ब के बेसिस पे मुझे टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और इसके बेसिस पे अब मुझे ये जो वर्ब है ब्रैकेट में गिवन है ये फर्स्ट फॉर्म है, और इस फर्स्ट फॉर्म की मुझे सेकेंड फॉर्म बनाकर राइट करना होगा। तो मैंने राइट किया जॉइंट। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। इसके बाद सेकेंड रूल हम देखते हैं। सेकेंड रूल में क्या होगा? द सेकेंड यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस इज दैट इट इज यूज, इसका जो यूज होगा विथ सर्टेन फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो जनरली हम यूज करते हैं, या तो उन फ्रेजेस के साथ इसका यूज करते हैं, और ऐसे जो फ्रेजेस है उनका हम यूज करें कब? टू इंडिकेट, ये बताने के लिए। क्या बताने के लिए? समवंस डिजायरेबल अदरवाइज इमेजनरी सिचुएशन, किसी की डिज़ायर या फिर उसकी जो इमेजनरी वाली कंडीशंस होती है, कल्पनाओं से भरी हुई, जो रियल में तो नहीं हो सकती लेकिन फिर भी उसके बारे में अगर समवन कोई सोचे कि काश ऐसा अगर होता, इन केस उन सेंटेंस को भी हम पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब इमेजनरी अदरवाइज डिजायरेबल वाली कंडीशन जो है उसका पास्ट में कैसे यूज हो? देखिए यहाँ पर हमने राइट किया दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज कैन बी स्टार्टेड, उनके स्टार्टिंग की जा सकती है विथ फॉलोविंग्स। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं इनके स्टार्टिंग हम कर सकते हैं इनके साथ। अगर हमने सेंटेंस में यूज किया आई विश, ठीक है, ये आपके सेंटेंस में गिवन है आई विश, तो ये आपकी डिजायरेबल कंडीशन को हाईलाइट करेगा, और इस केस में आप सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। कब? जब हम पास्ट की कोई डिज़ायर बताएं या इमेजनरी वाली कंडीशन की बताएं, जो उस समय अगर ऐसी हो जाती या ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद कुछ आज अलग ही बात होती। उन पास्ट की डिज़ायर्स को अगर हम बताएं तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर सेंटेंस में इफ़ का यूज हुआ हो या फिर आपने कोई ऐसा सेंटेंस कहा हो जिसमें इफ़ का यूज हुआ हो तो वहाँ भी हम की वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे? एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए सेंटेंस में या जो एग्जांपल इसमें हमने यूज किया आई विश, मतलब मेरी इच्छा है, इच्छा मतलब मेरी डिज़ायर है, ही न्यू मी, कि काश वो मुझे जान पाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी इच्छा बताई कि काश वो मुझे जान सकता या जान पाता या उसने मुझे जाना होता, तो इन कंडीशंस को बताने के लिए हमने हमारी डिज़ायर को बताने के लिए सेंटेंस के बिगनिंग की आई विश है, और आई विश के साथ मैंने सब्जेक्ट जो भी रहा हो या मैंने यूज किया हो उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है जो कि न्यू है। यहाँ पर न्यू जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है के एन ओ डब्ल्यू नौ, तो नौ की सेकेंड फॉर्म ही हो गई। अगर सेंटेंस में इफ़ का यूज हुआ हो तो इफ़ के साथ हम, वैसे तो प्रेजेंट सिंपल भी यूज हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी यूज हो सकता है, पास्ट सिंपल भी यूज हो सकता है, लेकिन किन कंडीशन में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करें? कब? जब इफ़ अपने को गिवन हो। इनकेस अपने को आगे फर्दर जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में अपने को मॉडल को आइडेंटिफाई करना है। अगर वो मॉडल ऐसा है जो जनरली पास्ट फॉर्म का हो, और जनरली हम बोलते हैं कैन का पास्ट कुड, ठीक वैसे विल का पास्ट हम यूज करते हैं वुड, तो यहाँ पर वुड जो है ये विल की पास्ट फॉर्म को आइडेंटिफाई करवाता है। इट मीन्स ये जो कंडीशन है ये ऑलरेडी हमें पास्ट में गिवन है, और पास्ट की कंडीशन में अगर इफ का यूज हुआ हो तो फिर यहाँ पर हमें पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो अपने प्रीवियस वीडियोज था या वीडियोज थे उसमें हमने बात की थी कि ही सी और इट के साथ अगर हमें बी की फॉर्म यूज करनी हो तो हम बी की फॉर्म जो होगी सेकेंड फॉर्म वो या तो वोज होती है या वर होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब वोज का हम यूज करते हैं,
ठीक ऐसे ही अगर प्यूरल सब्जेक्ट जो कि प्यूरल नहीं है लेकिन इसके साथ प्यूरल वर्ब का यूज होता है, इनकेस यहाँ पर इसके साथ वैसे तो आई के साथ प्यूरल वर्ब का यूज होना चाहिए था, लेकिन पास्ट सिंपल एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है जो कि वॉच होगी। ठीक है, वॉच सिंगुलर फॉर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके एंड में एस और एस से एंडेड जो भी वर्ब होती है वो अपनी सिंगुलर फॉर्म की होती है। इसके अलावा अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट रह जाता है जैसे वो रह गया यू दे, ठीक है, इनके साथ जो हमें यूज करना होगा और एक हो गया वी, वो वहाँ पर वर का यूज होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई कि आई के साथ वो जाता है, ये क्लियर है। इट मीन्स यहाँ भी बी की अगर हम फॉर्म राइट करेंगे सेकेंड फॉर्म जो कि वोज या वर होती है तो आई के साथ तो वोज आना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा यूज हुआ हो तो सेंटेंस अपना रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अगर सेंटेंस में इफ़ का यूज हम करते हैं तो वो डिजायरेबल और इमेजनरी कंडीशन होती है। इस कंडीशन के अंदर अगर बी की फॉर्म हमें यूज करने के लिए कहा जाए तो इमेजनरी और डिजायरेबल कंडीशंस में हम हमेशा बी की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे जो कि वर होगी। हम इस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे या इग्नोर करेंगे कि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है या प्यूरल है, वहाँ पर फिर सब्जेक्ट जो है अपने नंबर का कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। कब? जब सेंटेंस में हमको यूज करना हो बी फॉर्म डिजायरेबल और इमेजनरी वाली सिचुएशन के अंदर, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर या पास्ट टेंस के अंदर। तो ये टू कंडीशंस थी पास्ट सिंपल टेंस की जिनके बारे में हमने डिस्कस किया।